हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हमारा सेकंड लेक्चर है आईएमओ का। लास्ट लेक्चर में मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर कैसे होता है, कितने सेक्शंस में होता है, क्या क्या सिलेबस है, वो हमने एक्सप्लेन किया था। तो हमारी एक पैटर्न रहेगी, जैसे कि अभी मैंने नंबर सिस्टम लिए है, तो नंबर सिस्टम में ये जो आपको डिस्प्ले में दिख रहा है वो बुक में से नंबर सिस्टम के जितने सम्स है वो कर लेंगे, और पिछले 5 ईयर्स के ये नंबर सिस्टम रिलेटेड जो भी सम्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए गए हैं वो हम ले लेंगे, ताकि हमारा नंबर सिस्टम हो जाए। दूसरी बात बच्चों, 23 में एग्ज़ाम्स आपकी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में हुई थी, उसका मतलब इतना ध्यान में आता है कि आपका ये मैथ्स वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जो एनसीईआरटी में इंक्लूडेड नहीं है, 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि नहीं है, उसके साथ आपका मतलब अक्टूबर तक सारा हो जाना चाहिए, राइट? ठीक है, आप उस तरीके से प्लानिंग करिए। मैं भी ट्राई करती हूँ कि मैं कितना जल्दी हो सके उतना अक्टूबर तक कंप्लीट कर पाऊँ ये पूरा सिलेबस और कवर कर पाऊँ, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर बीच में अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, बात कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, लास्ट टाइम जो इंट्रोडक्शन दिया था उसमें हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स नहीं किए थे, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट तो क्या हमने अर्ली स्टैंडर्ड्स में भी किए हुए हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। अब इसके अंदर फर्स्ट क्या है कि अगर बेस सेम है, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन, मतलब कि अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। फिर ए रेस टू एम डिवाइड बाई ए रेस टू एन हो, डिविजन हो तो क्या होगा, पावर्स माइनस हो जाएंगे। फिर कोई भी नंबर रेस टू ज़ीरो होगा तो वो 1 होगा, कोई भी नंबर रेस टू इनवर्स ऐसे होगा तो 1/a^2, मतलब कि पावर को अगर आपको पॉजिटिव करना है तो उसका क्या करेंगे, आप रेसिप्रोकेट कर लेंगे। फिर a^m/b^m, अगर पावर सेम है तो ये पूरा इधर ऐसे होल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तीसरा है, सिक्स्थ वाला है, a^m/n, तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सारे उसके, ये सारे सबके है ना, बहुत ही मतलब एप्लीकेशन है इसके अंदर, ठीक है। फिर देखिए, ये a^m/b^m है तो a^b^m, ठीक है। तो इतने एक्सपोनेंट्स है, अगर बीच में कोई इंट्रोडक्शन में कोई चीज़ अगर मेरे से छूट गई है तो हम जब भी सम्स करेंगे और मुझे लगेगा कि ये करवाना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम्स ऑफ दिस बुक, जो आपको अभी डिस्प्ले में दिख रही है। और ये बुक रिकमेंड की है SOF ने ही, अगर आप इंटरनेट पे जाके गूगल करके देखेंगे तो आपको लगेगा, और प्रीवियस ईयर पेपर में मैं वहाँ पे जो रिकमेंडेड बुक है वही बुक लेने वाली हूँ। तो अगर आपको तो एक्चुअली जो लोग जो अपने आप खुद करते हैं वो तो ये बुक करेंगे रिफ़र, लेकिन अगर मीनवाइल क्वेश्चंस वेरी हुए या ऐसा कुछ हुआ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में क्वेश्चन लिख देना, तो मैं सॉल्व कर दूँगी वहीं के वहीं, या तो फिर ऐसा लगे मुझे कि वीडियो बनाना पड़ेगा तो मैं बना दूँगी, ठीक है, इतना बड़ा इशू नहीं है उसका। लेकिन कंसेप्ट सबके सेम रहेंगे, भले बुक अलग रहेगी, राइट। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, देखो एक चीज़ है, जैसे मैंने बोला था आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलती है, तो मतलब जितना जल्दी हो सके, ये तो हमारा क्या है, स्टार्टिंग है, लेकिन 1 मिनट में कैसे करेंगे, मतलब स्पीड रखनी पड़ेगी। इसके लिए आप NCERT भी करिए, ऐसा नहीं कि NCERT को टोटली इग्नोर कर दो, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, NCERT को तो कंसिडर करना है, क्योंकि उसके बेस पे ही ये एग्ज़ाम्स हैं, राइट। चले तो फर्स्ट है 2^3 × 3^2 2x − 8 = 36, ठीक है। अगर मैं 36 को मैं 4 × 9 लिखती हूँ, या तो फिर मैं इसको 2² × 3² लिखती हूँ,
ठीक है, तो वो सेम रहेगा. सो ये इंटू 3 raised to 2x - 8. अब 2 को 2 से कंपेयर कीजिए, ठीक है, 3 को 3 से कंपेयर कीजिए, तो क्या होगा, x - 3 = 2, और ये क्या होगा, 2x - 8 = 2. तो ये होगा x = 2 + 3, सो x = 5. इसका भी यही आना चाहिए, 5 ही आना चाहिए, सो x = 5. ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट. फिर हम OMR शीट और वो सब करेंगे, लेकिन पहले हम कैसे आंसर्स तो पहले कर ले, उसके बाद फिर करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ये टोटली रैशनलाइज है. जैसे देखो रूट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ये टोटली रैशनलाइज है. जैसे देखो रूट ऑफ 5 + 2 + रूट ऑफ 5 - 2 होल अपॉन रूट 5 + 1 - √3 - 2√2. देखिए सबसे पहले तो ये पूरा रूट है, ठीक है, ये पूरा रूट है. सो लेट अस डू कि ये क्या हो रहा है इसके अंदर. अब देखिए इसमें क्या करना है, मुझे यहाँ पे ये जो बड़े बड़े रूट है ना वो निकालना है. और जब भी रूट मतलब क्या है, आपको इतना पता है ना कि रूट मतलब 1/2, फिर थर्ड रूट मतलब 1/3, फिर फोर्थ रूट मतलब 1/4, फिफ्थ रूट मतलब 1/5, इतना तो पता है, ठीक है. तो मतलब कि अगर मैं होल स्क्वायर कर लूँ, ठीक है, तो यहाँ कहीं पे ये सारे स्क्वायर रूट्स निकल जाएंगे, ठीक है. तो सबसे पहले मैं मतलब हर चीज़ का मैं अलग अलग ले लूँगी. जैसे 3 - 2√2 है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे परफेक्ट स्क्वायर लाना है, मतलब कि होल स्क्वायर. और होल स्क्वायर कब आएगा, या तो फिर a + b² आएगा, या तो a - b² आएगा. 3 को मैं 2 + 1 - 2√2, ये ना बच्चों आपको याद कर लेने का कि अगर ऐसा सम आए ना तो ऐसा करना है, ठीक है. अब देखिए, अब ये इसको मैं √2² लिख सकती हूँ, येस बिल्कुल लिख सकती हूँ. इसको 1² लिख सकती हूँ, येस. और ये -2√2, ठीक है, क्योंकि मिडल टर्म तो ऑफ कोर्स यही होगा. सो ये क्या हो गया, ये हो गया √2 - 1² तो ये स्क्वायर और रूट चला गया, तो बचा क्या, √2 - 1, ठीक है. अब मैं इसका नेक्स्ट टर्म ले लेती हूँ. नेक्स्ट टर्म है √5 + 2 + √5 - 2. अब मैं इसको लेती हूँ. सो लेट एक्स बी दिस, ठीक है, तो मैं ये दोनों पे क्या करूँगी, स्क्वायर कर लूँगी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स. x² = सो √5 + 2 + √5 - 2² ठीक है. तो मतलब ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, डेट इज़ इक्वल टू √5 क्या होगा, √5 + 2² प्लस 2 √5 + 2 √5 - 2 प्लस √5 - 2² ठीक है. ये x² सो x² = ये रूट और स्क्वायर चला गया, सो √5 + 2 प्लस ये 2 * क्या होगा, ये दोनों का पावर सेम है, रूट रूट है, तो √5 + 2 (bracket) √5 - 2, और ये सब रूट के अंदर आ जाएगा, प्लस ये √5 - 2, तो ये 2 और 2 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया.
हाँ ये कैंसिल हो गया, सॉरी। टू और टू कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पे, टू रूट फाइव प्लस टू इंटू रूट ऑफ फाइव माइनस फोर विच इज इक्वल टू टू रूट फाइव प्लस टू इक्वल टू रूट टू इंटू ब्रैकेट रूट ऑफ रूट फाइव प्लस वन माइनस रूट टू माइनस वन होल अपॉन रूट फाइव प्लस वन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको तो एलसीएम लेना पड़ेगा। सो ये होगा, ये रूट का रूट ही रहेगा नीचे का। सो रूट टू माइनस रूट टू प्लस वन, ये रूट टू और रूट टू कैंसिल हो गया। सो आंसर इज़ व्हाट, वन। अब वन देखते हैं ऑप्शंस में है कि नहीं है। यस, सो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्सप्रेस द मिक्स रिकरिंग डेसिमल, मतलब ये देखो 1.27 ये है। सो लेट एक्स इक्वल्स टू 1.27 27 27 एंड, अब देखिए कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो जब दो डिजिट रिपीट होते हैं तो क्या होगा, उसको आपको मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय, ये आपका एनसीईआरटी में भी ये चीज़ है। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारे सम्स हैं। अगर एनसीईआरटी में से खाली हो गए हो तो, मतलब एनसीईआरटी का अगर कर दिया है तो आप आरएस अग्रवाल भी कर सकते हो, और आरएस अग्रवाल का मेरे वीडियोस भी है, उसमें आप वो भी चेक कर सकते हो, वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो सो यहाँ पे दो नंबर रिपीटेड है, तो 100x इज इक्वल टू 1.2727 इंटू 100। ठीक है, तो 100x इज इक्वल टू व्हाट, 127.2727। ठीक है, अब इसको और इसको माइनस करो, तो ये क्या होगा, देखिए 100x माइनस x इज इक्वल टू 127.2727 माइनस 1.272727। ये क्या हो गया, ये 99/x हो गया, विच इज़ इक्वल टू, ये अगर आप करेंगे तो ये आ रहा है 126। सो x इज इक्वल टू 126 डिवाइड बाय 99 विच इज़ इक्वल टू 14/11 एंड 4b इज द ऑप्शन। अब देखिए x है तो हम क्या करेंगे, अलग अलग से फाइंड करेंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 2 रूट 6 होल स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो ये क्या होगा, 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 2 रूट 6 प्लस 2 रूट 6 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा, 25 माइनस 20 रूट 6 प्लस 2, ये क्या होगा, 2 टू ज़ा 36 इंटू 2, ये मतलब 24 हुआ। दिस इज़ इक्वल टू 49 माइनस 20 रूट 6। ठीक है, अब मैं 1/x लेती हूँ, तो 1/x क्या होगा, 1/x है 1/5 माइनस 2 रूट 6 इंटू ब्रैकेट 5 प्लस 2 रूट 6 अपॉन 5 प्लस 2 रूट 6। दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6 अपॉन 25 माइनस 24। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6। अब इसको होल स्क्वायर करो, ठीक है, क्योंकि 1/ होल स्क्वायर है ना, 7√3 अपॉन दिस अपॉन, हाँ तो सबसे पहले तो कॉन्जुगेट कर लो, जैसे 7√3 इंटू
√10 और √10 √3, ठीक है, क्योंकि हमें ये रैशनलाइज करना पड़ेगा, तब तक ये सम आगे नहीं कर पाएंगे. सो 7√3 × 10 √3 अपॉन 10 − 3. सो 7√3 × 10 − √3 होल अपॉन 7. तो 7 और 7 क्या हो गया, कट हो गया, तो बचा क्या, 10√3 − √3 × √3 3. तो ये आया 3, ठीक है. अब देखिए, अब दूसरा, अब मैं 2√5 / √6 + √5 करती हूँ. √6 − √5 / √6 − √5, ठीक है. तो ये देखिए, ये क्या होगा, √2√5 × √6 − √5 होल अपॉन 6 − 5, मतलब कि 1 हो गया. सो ये 2√30 − 2√25, ठीक है. इसको भी मैं क्या लिख सकती हूँ, √30 − 3, ओके. अब थर्ड वाला ले लेते हैं. थर्ड है 3√2 / √15 + 3√2 √15 − 3√2 / √15 − 3√2. तो ये होगा 3√2 √15 − 3√2 होल अपॉन, ये होगा 15 − 9 9 2 = 18, ठीक है. तो ये होगा 3√30 − 3 9 9 × 2 18 होल अपॉन −3, ठीक है. अब ये सब में बीच में क्या है, माइनस है, तो हम डाल देते हैं. तो देखिए, √30 − 3 − 2√30 − 2√25 − 3√30 − 18 / −3, ठीक है. ये हुआ ऐसा. तो अब इसके अंदर √30 − 3 − 2√30 + 2√25, ये इसको ऐसे ही रहने दो, 3√30 − 18 / −3, ओके. तो ये क्या हो गया, ये हो गया −√13 − 3 − 2√25 − 3√30 − 18 / −3, ठीक है. तो ये देखिए, −√13 − 3 − 2√30 + 10 + √30 − 6, ठीक है. तो ये −√3 हुआ और ये +√3 हुआ, तो ये हो गया कैंसल. ये क्या हो गया, 7 − 6 क्या हो गया, 1, ठीक है. तो आंसर इज व्हाट, 1. क्वेश्चन नंबर 6, तो ये होगा 5 + 2√6 2, तो ये होगा 25 + 20√6 + 24, तो ये होगा 49 + 20√6, ठीक है. अब देखिए, x² + 1/x², तो ये भी क्या है, 49 − 20√6 + 49 + 20√6, तो ये रूट वाला कैंसिल हो गया
और ये आंसर आया 49 + 49 = 98। ओके देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है, ये ऑप्शन में है। नेक्स्ट फिफ्थ, अब देखिए ये मुझे ये फिफ्थ रूट निकालना है। फिफ्थ रूट निकालना मतलब 1/5 मुझे 1 करना है तो मुझे इंटू 5 करना पड़ेगा। ठीक है, अब इंटू 5 करने के लिए मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा, मतलब कि एक टर्म ऐड करूँगी तो दूसरा, एक मल्टीप्लाई करूँगी तो दूसरा मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक तो मेरा ये क्वेश्चन तो है ही डेट ए स्क्वायर बी क्यूब सी रेस टू 4। अगर ये 2 के अंदर 3 ऐड हो जाए, b के अंदर 2 ऐड हो जाए और c के अंदर एक 1c ऐड हो जाए तो सब 5-5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको फिफ्थ रूट ऑफ a क्यूब b स्क्वायर एंड c करती हूँ। अब यहाँ पे मैंने अगर ऐड किया है तो ऑब्वियसली मुझे इसको नलीफाई तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, a रेस टू 5, b रेस टू 5, c रेस टू 5 होल रेस टू 1/5 होल अपॉन 5th रूट ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब टू सी। ठीक है, आंसर ये आएगा नंबर्स -19/2 लाइज बिटवीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो ये 2 है तो 2, ये 19 है तो 9 = 18। ठीक है, और उसके बाद आएगा -10। ठीक है, मतलब 100, तो ये दोनों के बीच में ये रेशनल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एन इरेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 5/8 इज़ इरेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 5/8। देखिए 3/8 एंड 5/8 दैट मीन्स रूट ऑफ 3/8 इंटू 5/8 विच इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 15/64। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा रूट ऑफ सी वाला। ओके, नाइन्थ एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सर्ट्स। अब यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर्स कौन से होंगे। ठीक है, नाइन्थ देखिए सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकाल दो। किसका निकालोगे आप एलसीएम, ये जो दिया है ना 1/3, 1/6 और 1/9 है तो 3, 6 और 9 का एलसीएम निकाल दो। तो 3, 6 और 9 का एलसीएम है 18। ठीक है, अब देखिए 3√2 क्या है, 2√3 × 6/6 विच इज़ इक्वल टू 2√6 × 1/18 विच इज़ इक्वल टू 18√64। ठीक है, उसके बाद है 6√3, सो 3√2 × 1/6 × 6/6 1/6 × 3/3 तो ये 2 तो 3√2 ओके, सो 3³√1/18 विच इज़ इक्वल टू 27√1/18 विच इज़ इक्वल टू 18√27। ठीक है, अब 9√4 इज़ इक्वल टू 4√2 1/9 × 2/2
विच इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इंटू 1/18 विच इज इक्वल टू 16 रेज़ टू 1/18 विच इज इक्वल टू 18√16। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ, क्या बड़ा है, 9√4 इज लेस देन 6√3 इज लेस देन 3√2। ठीक है, चलो 10th, तो मतलब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ऑप्शंस क्या आएंगे, 9√4 फिर 6√3, तो ये आएगा ऑप्शन इज ए। 10 है द ग्रेटर नंबर अमॉन्ग दिस एंड दिस, तो देखिए सबसे पहले तो रूट सेवेंटीन माइनस √12 डेट इज़ 4.1 माइनस 3, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा या तो फिर ठीक है, और √11 माइनस √6 इज 3.3 माइनस 2.4 विच इज़ इक्वल टू 0.6। ठीक है, तो विच वन इज़ ग्रेटर, √11 माइनस √6 इज ग्रेटर, बी। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, थैंक यू सो मच। क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर हुआ, अब इसको रूट में डालो, सो एक्स इज इक्वल टू √2√5+2 विच इज इक्वल टू √2 इंटू √5+1।